दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी मूवी है जिसने इस साल ना सिर्फ तहलका मचा दिया बल्कि भाई बॉलीवुड की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया? आखिर इस मूवी में ऐसा कौन सा तड़का था यार जिसकी वजह से इसने करोड़ों की कमाई की? जिस मूवी को उसके धांसू एक्शन की वजह से इतना पसंद किया जा रहा था, क्या वो रियल थे या फिर इनमें भी कुछ झोल था, गोलमाल था? आखिर इस मूवी ने इतनी कमाई क्यों कर ली? अगर आप इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है पठान। भाई इस फिल्म के बारे में बस कहना ही क्या। इस फिल्म के बारे में तो उसके डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म इतनी कमाई करेगी। आखिर करती भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी में हमारे बॉलीवुड के किंग उर्फ शाहरुख खान जो थे, और भाई शाहरुख खान का जो कातिलाना लुक और बड़े बड़े बाल मूवी में दिखाया गया उसे देख कर तो लड़की तो क्या, लड़के भी शाहरुख खान पे फिदा हो गए। लेकिन इस मूवी में जान डाली है जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के एक्शन ने। इनकी धांसू फाइट की वजह से इस फिल्म को इतनी शोहरत हासिल हुई है। अब दोस्तों, आपको वो सीन तो याद ही होगा ना जब शाहरुख खान और जॉन अब्राहम बड़े से ट्रक के ऊपर फाइट करते हैं। इस लड़ाई को देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था ना कि ये सीन बनाया हुआ है या फिर इसमें कुछ धोखा है। लेकिन हाँ, इस सीन में सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीन ही नकली है। इस सीन में पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, वो तो असल में कैमरे का कमाल है। और इस सीन को एक स्टूडियो में शूट किया गया था और साथ ही इस ट्रक की जगह पर कुछ बड़ी बड़ी टेबल्स का इस्तेमाल किया गया था और पीछे सीन लेने के लिए हरे रंग के कपड़े का यूज किया गया था। जब इस सीन का फाइनल मोड आया तो एडिटर ने एडिट करके इस हरे कपड़े को हटाकर इन बिल्डिंग्स को क्रिएट कर दिया और साथ ही इन टेबल की जगह पर ट्रक और पीछे रोड की लोकेशन को मर्ज कर दिया और इस तरह से इस सीन को एडिटिंग की मदद से दिखाया गया था। अब दोस्तों, बात करते हैं चॉपर वाले सीन की, जिसमें शाहरुख खान हाथ में बंदूक लेकर चॉपर पर आते हैं। और इस सीन में जो चॉपर है ना, वो रियल का नहीं लिया गया था बल्कि इस सीन को एक ग्रीन स्टूडियो में शूट किया गया था और इस चॉपर की जगह पर एक डमी चॉपर को शूट किया गया था और बाद में इस चॉपर को सीजी चॉपर के साथ में मर्ज कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये शानदार दिखने वाली बिल्डिंग्स भी कैमरे की ही देन है? तो हाँ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी एडिटर की मदद से ही एडिट की गई है, जिसने सीन में वाकई में जान डाल दी है। और ये सब देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब VFX का कमाल है यार। इसी खूबी की वजह से तो यार ये फिल्म इतनी सुर्खियों में रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की जान और खूबसूरती की, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। शायद अगर ये फिल्म ना होती ना तो फिल्म में जान ही ना रहती। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अब दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने भी इस फिल्म में अपनी पूरी जान लगाई है ताकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो सके। दीपिका पादुकोण ने लास्ट में रक्त बीज यानी कि वायरस की बनी बॉटल को लेकर लास्ट में जो फाइट की है ना, और फाइट करते करते जब ये पानी में चली जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पानी भी कोई रियल पानी नहीं था बल्कि इस पूरे सीन को एक ब्लू स्क्रीन स्टूडियो में शूट किया गया था और इसमें जो पानी और बर्फ दिखाई गई है वो भी नकली थी। और बाद में हीरोइन को बचाने आते हैं हमारे हीरो यानी कि किंग खान शाहरुख खान, जो आते ही इस बर्फीले पानी में घुस जाते हैं। असल में ये भी ब्लू स्क्रीन स्टूडियो में ही ड्राई पैलेस का सीन था और साथ ही इस सीन में शाहरुख खान के खुले बाल दिखाए गए हैं, जबकि इस टाइम शाहरुख खान के बाल बंधे हुए थे पर VFX की मदद से बाल लहराते हुए नजर आ रहे थे। वाह यार। खैर दोस्तों, आगे ऐसे ही और भी धोखे खाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो मूवी में बहुत खर्चा किया गया था जिससे मूवी की क्वालिटी अच्छी ही नहीं बल्कि जबरदस्त दिख सके, इसलिए इसमें एक से एक बेहतरीन जगह ली गई थी और ये सारी रियल थी। लेकिन जब रिस्की एक्शन और खतरनाक स्टंट्स की बारी आई तो रियल कार्स की बजाय CGI और VFX का इस्तेमाल करके इन कार्स की मदद ली गई। जी हाँ, ताकि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इसीलिए तो हवा में उड़ती हुई कार्स भी ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई परिंदा उड़ रहा हो यार। और जब ये सीन पूरा हो गया ना तो इसके बाद में इसको एक रियल लुक दे दिया गया, ये सही था। दोस्तों, अब जानते हैं इस मूवी के धमाकेदार गाने के बारे में। तो वो गाना तो आपको याद ही होगा ना जिस पर थिएटर में हर कोई बस झूमने लग पड़ा था यार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झूमे जो पठान की, जिसने ना सिर्फ पर्दे पर आग लगा दी बल्कि इस गाने की धुन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाई हुई है। वैसे आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग दुबई और स्पेन में हुई थी और इस गाने में तड़का लगाने के लिए दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने बहुत मेहनत की और जबरदस्त डांस किया। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें धोखा कहाँ है यार, हम तो धोखे की बात कर रहे थे। तो भाई साहब, पूरी फिल्म में कुछ तो रियल होना चाहिए ना, इसलिए इस गाने को एकदम रियल बनाया गया था और इसमें सीन से लेकर लोकेशन तक हर चीज एकदम रियल थी। वहीं दूसरा गाना बेशरम रंग, जिस पर न जाने कितने मुद्दे कितने विवाद हुए लेकिन फिर भी इस गाने ने अपना रंग फैला ही दिया। ये गाना सिर्फ और सिर्फ दीपिका के कातिलाना अंदाज और लुक की वजह से हिट हुआ था क्योंकि इसकी हर एक बीट को मैच करके डांस करना वाकई में बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी इस अदाकारा ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस गाने को शूट किया। दोस्तों, अब इस सीन को देखिए जिसमें एक बिल्डिंग से चॉपर निकलकर बाहर जाता है और अचानक से आग का धमाका होता है और इस सीन को इतना खतरनाक दिखाया गया था कि हर कोई इस सीन को देखकर हैरान रह गया था। लेकिन ये भी VFX का ही खेल था और इस सीन को VFX की मदद से ऐसा बनाया गया था कि ये एकदम
एकदम रियलिस्टिक नजर आ रहा था। दोस्तों आप जानते हैं उस सीन के बारे में जिसमें हमारे बॉलीवुड के भाईजान उर्फ सलमान खान और बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान एक साथ नजर आए थे। इन दोनों की जोड़ी ने तो पर्दे पर तहलका ही मचा दिया था यार, क्योंकि काफी सालों के बाद में इन्हें साथ में ऑन स्क्रीन पर देखा गया था। वैसे इस फिल्म में ऐसा कुछ था नहीं जिसे नजरअंदाज किया जाए। एक्शन से लेकर रोमांस और दोनों खान्स की जोड़ी सब कुछ एकदम झक्कास थी यार, इसीलिए तो ये फिल्म साल की सबसे पसंदीदा फिल्म रही है जिसने न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस सीन में जो ट्रेन को दिखाया गया है, इस सीन को भी ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में शूट किया गया था। साथ ही इस सीन के लिए एक डमी ट्रेन का यूज किया गया और बाद में जब ब्लास्ट हुआ तो उस सीन को भी एक सेट की तरह ही क्रिएट किया गया। इस सीन को शूट करते वक्त इसके पीछे ग्रीन कपड़े को लगाया गया था ताकि बाद में इसको एडिट करके एक हिल वाला सीन लगा सके। इस सीन को देखने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये पहाड़ और ये ट्रेन किसी कैमरे से क्रिएट किया गया, बल्कि सभी बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। अब आपको दिखाते हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा धोखा जिसने ना सिर्फ लोगों को चौंकाया बल्कि उनको सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या बात करो यार, ऐसा सच में हो सकता है क्या। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग जेट वाले सीन की जिसमें पहले हमारे जॉन भाई जिन्होंने फिल्म में मिर्च मसाला डालने का काम किया था वो फ्लाइंग जेट पहनकर हवा में फुर्र हो जाते हैं और ये देखकर शाहरुख खान भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी दूसरा फ्लाइंग जेट उठाते हैं और विलन बोले तो जॉन अब्राहम के पीछे चल देते हैं। इसमें सबसे मेन काम फ्लाइंग जेट का ही था लेकिन ये रियल नहीं थे बल्कि इस सीन को जब स्टूडियो में शूट किया गया था तो इन फ्लाइंग जेट की बजाय इनके कंधों पर फ्रेम या फिर एक तरह का बोर्ड बांधा गया था और जब सीन कंप्लीट हो जाता है और एडिटिंग का टाइम आया तो इस फ्रेम को हटा दिया गया और इसकी जगह ये जेट मर्ज कर दिया गया। ये सीन देखने में जितना दिलचस्प था ना उतना ही देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई वीडियो गेम देख रहे हो यार। इस सीन को सीजीआई की मदद से और बेहतर बनाया गया था ताकि इसमें कोई भी नकली या बनावटी फील ना आए। अब दोस्तों पठान मूवी में एक सीन है जिसमें विलन जॉन अब्राहम और शाहरुख खान बाइक पर एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल खेलते हैं। अब इस सीन को किसी स्टूडियो में शूट नहीं किया गया था बल्कि इस सीन के लिए लोकेशन एकदम रियल लगी थी और इस सीन को साइबेरिया की एक लेक पर शूट किया गया था। ये सीन इतना खतरनाक था यार कि इसके लिए स्टंट मैन का इस्तेमाल किया गया था और जो इसका मेन एक्शन या सीन था उसे वीएफएक्स स्टूडियो में शूट किया गया था जिसमें शाहरुख खान ही स्टंट को करते हुए दिखाई दे रहे थे और इस तरह से इस सीन को क्रिएट किया गया था। ऐसे ही पठान मूवी में सीजीआई और वीएफएक्स का सहारा लगाकर इसको बहुत ज्यादा रिस्की और मसालेदार बनाया गया और हर एक सीन को इस तरह से पेश किया गया कि बस कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या। तभी तो भाई इस मूवी ने ये साल अपने नाम कर लिया जहां इस मूवी को 250 करोड़ रुपए में बनाया गया था और इसने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 471 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन उठा लिया। अगर बात करें इसके बजट की तो इसने बजट के मुकाबले 88% से भी ज्यादा की कमाई की और वर्ल्ड वाइड की तो भाई बात ही क्या करना। पठान मूवी ने वर्ल्ड वाइड में कमाई करीबन 1000 करोड़ के भी पार कर ली थी जिसका मतलब है इसने वर्ल्ड वाइड में 281% से ज्यादा कमाई की। तो दोस्तों क्या आप भी पठान मूवी थिएटर में देखने गए थे और क्या आपको भी पठान मूवी में हुए धोखे के बारे में आज तक पता नहीं चला था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें वरना आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।